माय चैनल गुरदीप सिंह बबर। ये फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेसिक टर्म कॉन्सेप्ट्स पार्ट वन। ये फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बेसिक अकाउंटिंग के, तो ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, CA जो CPA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसको पढ़िए और स्टडीज कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। डियर फ्रेंड्स, ये आज हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी एंड विच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस एंट्री। यस, जो भी फाइनेंशियल पोजिशन करती है बिजनेस एंट्री की, ओके, और मनी के टर्म में होनी चाहिए, अफेक्ट करती है बिजनेस को, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपके। चलिए, ये बिजनेस जो है इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपकी ये फर्म है, ओके, ये आपकी कंपनी है, ये आपकी फर्म है। आपने ट्रांजैक्शंस कैसे, इसके अंदर गुड्स परचेज किए, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए बिजनेस के लिए, ओके, और ये बिजनेस के लिए आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए। परचेज करने के बाद आपने इसको क्या किया, सोल्ड किया, तो ये क्या हुआ, बिजनेस किए कि ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, और नेक्स्ट आपको बताएं, तो नेक्स्ट जैसे इसी तरह से आपने अमाउंट रिसीव किया है किसमें, बिजनेस में, तो अगर आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो अमाउंट आपको पे भी करना है। ये आपने अमाउंट पे किया है, ये भी क्या हुई है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है। क्या हुआ है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। या फ्रेंड्स, आपने गुड्स परचेज की, क्या किया आपने, गुड्स को परचेज, गुड परचेज करेंगे तो किस में करेंगे, कुछ आपको उसको पेमेंट देंगे, कुछ करेंगे, तभी तो अमाउंट आपने पे किया, अमाउंट पेड किया गुड परचेज करने के लिए, तो वो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई। अमाउंट रिसीव किया आपने, जब किसी को आपने गुड्स सोल्ड की, बेच दी, तो आपने क्या किया, ये बेचना आपने गुड्स यहाँ पर, ओके, तो आपने क्या किया, अमाउंट रिसीव किया, तो ये भी एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब समझ में आ गया आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। ओके, तो चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। सेकंड इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, ये बर्थडे पार्टीज वगैरह या कुछ स्कूल्स के इवेंट्स वगैरह का इवेंट नहीं है। इवेंट जो बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है वो होता है, एंड इवेंट इज रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पूरे साल का, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ ईयर। ओके, पूरे साल के एंड में आपके पास कितना स्टॉक बचा है, कितना आपके पास कैश बचा है, और ऑनर की कैपिटल क्या है, कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल कितनी उसके पास है। ओके, ये सब क्या है, पूरे साल का है, क्या है, साल का, एट द एंड ऑफ ईयर क्या बचा हमारे पास, ये सब क्या क्या चीज़ें बची हैं इन सब में से, और कितने कितने बची हैं, तो उसे कहेंगे हम इवेंट। क्या कहेंगे, इवेंट। एंड इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास, निचोड़ क्या निकला पूरे साल का, वो होता है इवेंट। ओके, मुझे समझ में आ गई है सेकंड पॉइंट क्या होता है। देन द नेक्स्ट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, वैसे मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक टर्म्स जो है वो क्लियर कराई है। बेसिक टर्म्स आप पहले ही वीडियोस देख लीजिए, पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट्स हैं उसके बेसिक टर्म्स के, उससे आपको बेसिक टर्म्स समझ में आ जाएंगे, बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो नंबर थ्री है अकाउंट्स। अकाउंट इज रेफर टू द समराइज्ड रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ पर्टिकुलर हेड एट द वन प्लेस। ओके, इसका आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें कुछ समझ में आएगा। अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स जो है अब समराइज्ड रिकॉर्ड होता है, उसको समरी की तरह आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ओके, रिकॉर्ड होता है रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसको आपने पर्टिकुलर हेड वन प्लेस, एक ही जगह के ऊपर आपने उसको रिकॉर्ड किया है,
अब अकाउंट्स कैसे करते हैं, अकाउंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंट्स कैसे आप उसको बनाया जाता है वो देखिए। अकाउंट्स बनाने के लिए आपको ये इस तरह से लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर इस तरह से ये कॉलम बनाए जाते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर आपका आता है DR मतलब डेबिट एंड CR का मतलब क्रेडिट। ओके, ये पर्टिकुलर्स इस तरह से अकाउंट्स का ये आपको ये याद करना है, ये आपको बनाना सीखना है। ये बॉक्स आप समझ लीजिए, यहाँ पर डेबिट आएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर क्रेडिट आएगा राइट साइड में। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट के पर्टिकुलर्स यहाँ आएंगे, उसके अमाउंट्स यहाँ पर आएंगे। ओके, क्रेडिट के पर्टिकुलर यहाँ आएंगे और अमाउंट्स यहाँ पे। ओके, इसको अकाउंट्स जो होता है, इस जो हमने ये बनाया है डिज़ाइन, इसको अकाउंट्स को हम टी शेप अकाउंट्स भी कहते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में अकाउंट्स का जो है टी शेप अकाउंट्स किसको कहते हैं, उसका ग्राफ बनाइए, उसका आप डिजाइन बना कर दिखाइए, तो आप उस वहाँ पर इसको इस तरह से बना करके दिखा सकते हैं। ओके, और थ्योरिकल पार्ट्स भी आते हैं इसमें, पेपर्स वगैरह में, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। तो आगे आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी करवाएंगे आपको। ओके, तो नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल तो मैंने आपको बताया था पहले, जो बेसिक टर्म्स मैंने, अगर आपने वीडियोस देखी है उसके अंदर आपको कैपिटल बहुत अच्छे समझाया मैंने, वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अमाउंट इन्वॉल्व बाय ऑनर, जो ऑनर ने जो उसके अंदर फर्म के अंदर लगाया है, चाहे वो कैश लगाया हो, गुड्स लगाई हो, एसेट्स लगाया हो। ओके, ऑनर ने जो बिजनेस के लिए कैपिटल लगाई है, बिजनेस के लिए अमाउंट लगाई है, अमाउंट ही कैपिटल होता है। ओके, जो ऑनर ने खुद लगाया है, ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो अमाउंट के बेस में लगाया हो, मतलब पैसे कैश वगैरह लगाया हो, या उसने गुड्स लगाई हो, या अपनी एसेट्स लगाई हो, उसने उसके पास कार है, स्कूटर है, या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह है, लैंड है, वो उसने यूज़ की है बिजनेस पर्पस के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं, वो सब कैपिटल्स के अंदर आती हैं। परचेज्ड इन द बिजनेस, उसने वो चीज़ें परचेज की है बिजनेस के लिए, या फिर उसके पास पहले से हैं, उसने बिजनेस के अंदर लगा दी हैं, डाल दी हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला भी है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटी क्या होती है वो आपको आने वाले स्टेप में बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको एसेट्स चेक करनी है आपके पास बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, तो आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आप प्लस कर दीजिए, तो आपकी एसेट्स आ जाएंगे, एसेट्स आपके पास कितनी है बिजनेस के अंदर। चलिए, ये है छोटा सा फॉर्मूला कैपिटल निकालने का और एसेट्स निकालने का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी एंड नेट वर्थ। कैपिटल के दो नाम और भी हैं, ये दोनों नाम कैपिटल के ही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग का भी मैंने आपको बताया था, द मनी और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर। अगर ऑनर ने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाल ली है, गुड्स निकाल ली हो, या फिर मनी कैश निकाल लिया हो, तो फॉर एग्जांपल एक ये बिजनेस है, ओके, और ये एक ये ऑनर है, ऑनर ने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया, कैश निकाल लिया कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए, मान लीजिए उसको घर के लिए कोई कार चाहिए, या फिर स्कूटी, या किसी को गिफ्ट देना है उसने, वो पर्सनल यूज़ है, बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है उसके अंदर, तो वो उसकी बिजनेस में से उसने या फिर कैश पैसे निकाल लिए, या फिर गुड्स निकाल लिए। मान लीजिए उसका कोई भी चीज़ का काम है, मान लीजिए फर्नीचर का काम है, तो फर्नीचर उसने एक सोफ़ा अपने घर के लिए बना लिया, घर पे उसको ले गया, तो उसने क्या किया, गुड्स विड्रॉ कर लिए, ड्राइंग कर ली उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, समझ में आ गया, वो पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे उसने वो ले जाकर किसी को गिफ्ट दे दिए, ओके, लेकिन उसने पर्सनल यूज के लिए दिया, बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं लिया, फिर भी वो पर्सनल यूज के लिए ही माना जाएगा। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दे देता है, उस कोई गुड्स या दे देता है, तो वो पर्सनल यूज के लिए नहीं आएगा, वो ड्राइंग्स के अंदर नहीं इंक्लूड होगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट पार्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट दैट एंड इंटरेस्ट हैज पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। कोई भी चीज़ है उसको फ्यूचर के अंदर हमने पे करना है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ उधार ले ली है, वो एक ऐसा लाइबिलिटी है आपके ऊपर कि आपने उसकी पेमेंट अभी करनी है, अभी आपने पेमेंट की नहीं है, ओके तो उसको आपने फ्यूचर के अंदर उसके पैसे बकाया है आपके ऊपर, आपने तरह से उधार लिया है, ओके। लाइबिलिटी का फॉर्मूला है निकालने का, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, ओके। यस, लाइबिलिटी आर डिवाइडेड इन टू बेसिक्स, दो बेसिक्स चीजें इसमें, एक होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ओके। सेकेंड इज करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये इसके दो डिफरेंट बेसिस हैं, टू पार्ट्स हैं इसके, ओके कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सेकेंड इज करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए ऑनर ने, मतलब कि जो मालिक है कंपनी का, उसने कोई चीज़ें उसके अंदर निवेश किया, अपनी पूंजी लगाई है, कुछ किया, तो वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है। जो ऑनर के पर्सनल चीज़ें हैं वो इंटरनल लाइबिलिटीज हो जाएंगी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती हैं? इसके अंदर जो उसका ऑनर का मालिक का खुद की लाइबिलिटीज नहीं है, उसके ऑन बिजनेस ने उसकी खुद को, एक चीज़ है पहले समझ लीजिए, बिजनेस अलग चीज़ होती है, ऑनर अलग चीज़ होती है। ऑनर तो ऑनर है लेकिन वो, उसको दो आइडेंटिटीज हैं, एक मैन, एक इंसान की, एक ये इंसान है मान लीजिए, ओके। इसकी जब ये बिजनेस को शुरू करता है तो उसकी ये दो आइडेंटिटीज हो जाती हैं, एक होती है एक पर्सनल आइडेंटिटी, एक बिजनेस आइडेंटिटी, ओके। मान लीजिए ए बी सी लिमिटेड इसकी फर्म का नाम है, और इसका नाम है कुछ भी एक्स वाई जेड, ओके। ये इसकी दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं लेकिन इंसान ये एक ही है, मतलब ये बिजनेस वर्क कर रहा है, ओके, एक कंपनी के नाम से, और ये अलग खुद है, ओके। समझ में आ गया ये क्या हुआ कि पर्सनल चीज़ों के लिए इंटरनल होगा, एक्सटर्नल क्या होगा? जो उसकी खुद ने एक्सटर्नल बाहर के लोगों के लिए लाइबिलिटीज है, बाहर के लोगों का उसने बकाया पैसा देना है, बिजनेस से एक उसने खुद ने लेना है, वो हो गया इंटरनल, खुद का पैसा उसने बाहर निकालना है। एक होता है एक्सटर्नल, लोगों का देना है। इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, ओके। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसके अंदर वो कैटेगरीज भी इन्वॉल्व होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको पूरा एक्सप्लेन मैं करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लाइबिलिटीज़ को, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। इस पूरे पार्ट को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर करूँगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसका पूरा समझने के लिए मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पाँच ही नहीं है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मोर देन 30 कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके अंदर पूरा समझाऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और कुछ नया सिखाते हुए, इसके नेक्स्ट पार्ट बताते हुए, कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर का इंतजार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, तो सर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें, समझ सकें, ओके। नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर कोई आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर आपको उसका अगर रिप्लाई दिया जाए ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोज बना करके आपके लिए लाई जाएंगी, ओके। थैंक यू, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करते हुए।